सॉरी जंगली अंकल, मैं मम्मा को छोड़ नहीं सकती। झूठ आपने सहा है मेरी वजह से, वो काफी नहीं है। सॉरी, क्या करूं? आगे बढ़ के अपने पापा के गले लग जाओ। हर बच्चे को अपने बाप का नाम जरूरी होता है, और कृष्णा चतुर्वेदियों का खून दौड़ता है उसके रगों में, और मैं अपनी लल्ला की बेटी को लेकर ही रहूंगी। गंगा को अपनी जिंदगी में वापस चाहते हो तो फिर से उसका दिल जीतना होगा, उसका विश्वास हासिल करना होगा तुम्हें। उन सारी बातों को, उन यादों को उसके दिल से निकालना होगा जिसकी वजह से उसके दिल में कड़वाहट भरी हुई है, उसे दूर करना होगा। यूं ही पश्चाताप और पछतावे का रास्ता बहुत लंबा और बहुत मुश्किल होता है। इतने सालों से तुम्हारी वजह से गंगा को जो दुख मिला है वो पलक झपकते ही तो दूर नहीं हो सकता ना। आज कितने दिनों बाद मैंने अपनी फेवरेट ड्रेस पहनी है ना मम्मा, आज खूब एंजॉय करेंगे हम। हर बच्चे को अपने बाप का नाम जरूरी होता है, और कृष्णा मेरे खानदान की है, मेरे परिवार की है। चतुर्वेदियों का खून दौड़ता है उसके रगों में, और मैं अपनी लल्ला की बेटी को लेकर ही रहूंगी, वो भी बहुत जल्द। अरे मम्मा, आप उल्टे जूते क्यों पहना रहे हो? सॉरी। कशिश मासी, आप इतनी देर क्यों लगा रहे हो? जल्दी आओ। बस, I'm ready. Let's go. चल। चल। मैं देखती हूँ। Surprise! मैं आप सब लोगों के लिए शानदार डिनर लेकर आई हूँ। हम सब साथ में मिलकर खाना खाएंगे। कितना टाइम हो गया ना साथ में खाना खाए हुए। एंड यू नो व्हाट, आज रात मैं यही रहूंगी और फिर हम सब लड़कियां मिलकर खूब मस्ती करेंगे। ओके, लेट्स हैव डिनर। चलो। क्या हुआ? शायद आप लोगों को मेरा यहाँ आना अच्छा नहीं लगा। I mean, आप लोगों के चेहरे पर खुशी दिखाई नहीं दे रही है। क्योंकि हम लोग बाहर जाने वाले थे ना डिनर के लिए, इसलिए। ओ, मुझसे बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई, गलती हो गई। मुझे इन्फॉर्म करके आना चाहिए था ना, लेकिन प्लीज मेरी वजह से आप लोग अपना प्लान कैंसिल मत कीजिए। आप लोग प्लीज कैरी ऑन कीजिए, मैं किसी और दिन आ जाऊंगी। नहीं 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 जोया दीदी, किसी और दिन क्यों, आज ही क्यों नहीं? बात साथ में बैठकर डिनर करने की है ना, तो हम लोग घर पर कर लेंगे, बाहर जाने की जरूरत ही नहीं है। और वैसे भी तुम इतना सारा खाना लेकर आई हो, उसे वेस्ट थोड़ी ना करेंगे। लेकिन मम्मा, मैं इतने अच्छे से तैयार घर पे डिनर करने के लिए थोड़ी ना आई हूँ। मम्मा प्लीज, बाहर चलते हैं ना। कृष्णा, बाहर किसी और दिन चले जाएंगे, लेकिन आज हम लोग टेस्टी खाना जरूर खाएंगे। देखो कितनी अच्छी खुशबू आ रही है ना। जरूर जोया दीदी कुछ स्पेशल खाने में लेकर आई है ना जोया दीदी? हाँ, मैं तो बहुत अच्छा खाना लाई हूँ। चलो साथ मिलकर खाना खाते हैं, मुझे तो बहुत भूख लग रही है। मैं प्लेट्स लेकर आती हूँ। मुश्किल से तो बाहर जाने का प्लान बना था, और जोया आंटी ने आकर सारा प्लान फेल कर दिया। गंगा, मैंने सुना कि दादी यहां तुमसे बात करने आई थी। छोटी अम्मी सागर को बता रही थी तो
मैंने वो बात सुन ली। क्या हुआ? कुछ नहीं। कुछ तो हुआ होगा, जरूर दादी यहाँ कुछ काम से ही आई होगी, है ना? क्या हुआ है? कुछ खास नहीं। तुम्हें नहीं बताना है तो मत बताओ, लेकिन मेरी समझ में सब आ रहा है। ये लोग तुम्हें इतनी आसानी से नहीं छोड़ेंगे। मैं इतने सालों से इन लोगों के साथ रह रही हूँ, मैं जानती हूँ। दादी तो बहुत बेचैन है अपने ग्रेट ग्रैंड चाइल्ड के लिए, और अपना मन मार के सुप्रिया और पुलकित को बच्चा एडॉप्ट करने के लिए हाँ किया है, लेकिन गंगा अपने खून में और एडॉप्ट किए हुए चाइल्ड में बहुत ज्यादा फर्क है ना? हाँ, उन्हें जब पता चला कि कृष्णा उनके लल्ला की बेटी है तो वो चुप नहीं रहने वाली। तुम्हें इस बारे में कुछ करना होगा, सिर्फ मना कर देने से कुछ नहीं होगा गंगा। वो लोग बहुत पावरफुल है, अगर वो लोग जिद पर आ गए तो उनके सामने तुम टिक नहीं पाओगी। ये तुम भी जानती हो और मैं भी जानती हूँ गंगा, राइट? तुम क्या करें जोया दीदी, जो कहना था हमने कह दिया। वो मेरे पास एक आइडिया है गंगा, तुम तीनों बनारस छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए यहाँ से कहीं दूर चले जाओ। ये क्या कह रही हो तुम जोया दीदी, सब कुछ छोड़कर ऐसे कैसे बनारस छोड़ के चले जाएं? हमारा काम है, कशिश की नौकरी है, कृष्णा का स्कूल है, और ये घर, ये घर मैं तुमसे कहने ही वाली थी। तुम ये घर बेच दो गंगा, और घर बेचने के बाद जो तुम्हें पैसे मिलेंगे वो काफी होंगे कहीं दूर जाकर सेटल होने के लिए। तुम दोनों को तो नौकरी आसानी से मिल जाएगी, और रही बात कृष्णा की, उसे भी कोई अच्छे स्कूल में एडमिशन मिल सकता है। हमें समझ में नहीं आ रहा जोया दीदी, हम कैसे रिएक्ट करें? ये शहर छोड़ना, हमने कभी इसके बारे में सोचा भी नहीं, और हम लोगों ने ये घर कितनी मुश्किल से खरीदा था, क्योंकि इसमें रात माँ की यादें बसी हुई हैं। इस घर को छोड़ने के ख्याल से ही हमारा दिल कांप जाता है। मैं जानती हूँ गंगा, इस घर को बेचना और ये शहर छोड़कर किसी नए शहर में सेटल होना इतना आसान नहीं है, लेकिन तुम तो उस घर में वापस जाना नहीं चाहती ना गंगा। और क्यों जाना चाहोगी, जब सागर के लिए तुम्हारे दिल में कोई प्यार ही नहीं बचा है, तो फिर तुम वहां वापस क्यों जाना चाहोगी, है ना? और कृष्णा को भी उसकी जरूरत नहीं है, तुम हो ना? इससे पहले कि तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी तुमसे दूर हो जाए, तुम्हें फैसला लेना होगा गंगा। अगर ये लोग कृष्णा को लेकर चले गए तो तुम्हारा क्या होगा? अमित, तू किसके सहारे जियोगी? बुरा मत मानना, मुझे जो ठीक लगा वो मैंने तुमसे कह दिया, आगे तुम्हारी मर्जी है, तुम्हें ही फैसला लेना है, मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूंगी। उन्हें मना नहीं कर पाई ना? क्या बोल रही हो तुम? जब जोया दीदी ने आपसे पूछा कि अब तो आपको सागर से प्यार नहीं है, तो मैंने नोटिस किया आपने कुछ जवाब नहीं दिया थी,
और इसका यही मतलब होता है कि सोया दीदी गलत थी। अब आज भी सागर से बहुत प्यार करती हैं। ऐसी कोई बात नहीं है, झूठ बोलने की जरूरत नहीं है दी। आपकी आंखों में ये साफ दिखता है कि आप आज भी सागर से बहुत प्यार करती हैं, बहुत चाहती हैं आप उसको। प्यार करना बहुत आसान है दीदी, लेकिन उसे भुलाना उतना ही मुश्किल। इस बात का एहसास है मुझे। हाँ, प्यार करना जितना आसान है उसे भुलाना उतना ही मुश्किल। हमने भी बहुत कोशिश की, हम सालों से कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सागर की यादों से जुदा नहीं हो पाए। हाँ, हम अभी भी उसे चाहते हैं, तभी तो हमें इतनी ज्यादा तकलीफ होती है। अगर हम उसे भूल गए होते तो कोई कुछ भी कहता हमें फर्क नहीं पड़ता। पर सच्चाई तो यही है कि हम सागर को अभी भी अपने दिल से नहीं निकाल पाए। आपको पता है कान्हा जी, मम्मा ने अभी अभी कहा कि वो जंगली अंकल से प्यार करती हैं और जंगली अंकल भी उनसे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन वो एक साथ क्यों नहीं रहते, अलग अलग क्यों रहते हैं? मम्मा अपने घर में, जंगली अंकल अपने घर में। अब आप ही बताओ कान्हा जी, मैं क्या करूं? उन दोनों को फिर से दोस्ती करनी चाहिए ना, लेकिन फिर भी वो झगड़ते रहते हैं। मम्मा और जंगली अंकल की प्रॉब्लम खत्म करने के लिए मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। आप तो ऊपर से आओगे नहीं, है ना? I'm sorry, किशन जी। मैंने मम्मा से प्रॉमिस किया है कि मैं उनको कभी परेशान नहीं करूंगी, लेकिन आज वो प्रॉमिस मुझे तोड़ना पड़ेगा। लेकिन इस बात के लिए आप मुझे ही पनिश करना, मम्मा को कुछ मत कहना, ओके? वैसे मुझे पता है कि वो भले अभी ही गुस्सा हो जाए, लेकिन बाद में वो बहुत खुश हो जाएंगी। मैं ये सब उनके लिए ही कर रही हूँ। सच्ची? हेलो जंगली अंकल। कृष्णा, तुमने इस वक्त कॉल किया, सब ठीक तो है? जंगली अंकल, मुझे आपसे एक बहुत इम्पोर्टेंट बात करनी है। आप मेरी मम्मा से प्यार करती हो ना? हाँ? Yes. मम्मा भी आपको बहुत चाहती हैं। ये तुम्हें कैसे पता? वही तो बात है ना, मैं आपको फोन में नहीं बता सकती, कहीं मिलना पड़ेगा तभी बता सकती हूँ, क्योंकि बहुत सारी बातें करनी है मुझे आपसे। और आपने प्रॉमिस किया था कि आप मेरी मम्मा को कभी नहीं रुलाओगे। हाँ, किया था। मैं भी अपनी मामा को खुश देखना चाहती हूँ, और देख लेना जंगली अंकल, मैं आप दोनों की दोस्ती करवा कर रहूंगी, फिर हम तीनों साथ रहेंगे, ओके? हेलो जंगली अंकल, आप मेरी बात सुन रहे हो ना? आप मेरी हेल्प करोगे ना? मुझे आपकी और मम्मा की दोस्ती करवानी है। Yes, of course करूंगा मैं। यही तो मैं चाहता हूँ कि तुम और गंगा मेरे पास आ जाओ। Very good, तो हमें जल्दी से कुछ करना पड़ेगा।
अगर मम्मा ने बनारस छोड़ने का कोई प्लान बना लिया ना तो बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी। क्या? इसीलिए तो बोल रही हूँ मिलना है। तो कल आप मुझसे मिलोगे ना? अरे वही मेरे स्कूल के बाहर। ओके I'll be there. थैंक यू। ओके बाय जंगली अंकल, गुड नाइट। मम्मा मैं वो चुप हो जाओ एकदम, एक शब्द नहीं सुना हमें। हमारे पीठ पीछे ऐसा काम करोगी तुम? चोरी कहते हैं इसे। और हमारा फोन क्यों लिया तुमने, किससे पूछ के लिया? लेकिन मम्मा चुप, बिल्कुल चुप, सो जाओ। चलो सो जाओ, कुछ नहीं सुना हमें, चुपचाप सो जाओ। ऐसे क्यों कर रही थी? जब हमने उसे मना किया उसके बावजूद भी वो सागर से बात कर रही थी, और आज उससे बात कर रही थी, कल को कैसी चुपचाप उससे मिलने चली गई। तो अम्मा जी और सागर पहले ही कृष्णा को जीने की कोशिश कर रहे हैं। अगर वो तो बच्ची है और कहीं उन्होंने उसे बहका कर अपने, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं होगा। जोया दीदी द फूड वॉज अमेजिंग, थैंक यू सो मच। कम ऑन जोया दीदी, हम ये घर बेचने के लिए तैयार हैं। तुम इंतजाम करवा दो, हम जल्दी से जल्दी शहर छोड़ के जाना चाहते हैं। दीदी आप जल्दबाजी में इतना बड़ा फैसला मत लीजिए, इट्स अ लाइफ चेंजिंग डिसीजन। ये कोई मामूली बात नहीं है, आप आराम से ठंडे दिमाग से सोच के देखिए। नहीं कशिश, अब सोचने को कुछ नहीं बचा है। हम जानते हैं हमारे इस एक फैसले से हम सबकी जिंदगी में बहुत कुछ बदल जाएगा, नए सिरे से जिंदगी की शुरुआत करनी होगी। लेकिन इस वक्त और कोई चारा नहीं है। हमारी अपनी बेटी हमारा कहना नहीं मान रही, हमारी बात नहीं सुन रही, तो हम किसी और से क्या उम्मीद रखें, कैसे विश्वास करें उन पे? कशिश जल्दी से जल्दी यहाँ से निकल जाना ही बेहतर होगा। मैं आप सब लोगों को बहुत मिस करूंगी, लेकिन हालात देखकर तुमने सही डिसीजन लिया है गंगा। प्लीज चिंता मत करो, मैं सब संभाल लूंगी। कल ही मैं घर की नीलामी का इंतजाम करती हूँ। वो कहाँ जा रहे सुबह सुबह तैयार होके? सारी गंदा बनारस छोड़ के जाने का सोचिए, मैं आपको आके बताता हूँ, उसी रोकने जा रहे। गंगा शहर छोड़ के जा रही है? अम्मा आप इतनी चुप क्यों हो, मेरे से कोई बात तो करो। कोई बात ही नहीं है, क्या बात करें? मुझे पता है आप मेरी कल वाली बात से गुस्सा हो, लेकिन मैंने सॉरी बोल दिया था ना मम्मा। अच्छा आई प्रॉमिस मैं आपकी हर बात मानूंगी, लेकिन ये वाली जगह छोड़ के हम कहीं नहीं जाएंगे। हमने डिसाइड कर लिया है ना कि हम ये शहर छोड़ के जाएंगे, और इस बारे में हम तुमसे कोई बात नहीं करना चाहते, कोई डिस्कशन नहीं करना चाहते। तुमने अभी हमसे कहा ना कि तुम्हारी सारी बात मानोगी, और हम तुम पे भरोसा करते हैं कि जैसा हम कह रहे हैं तुम वैसा ही करोगी, और इसके आगे हम और कोई बात कहना या सुनना नहीं चाहते। ये लो। भैया जी, जी चेयर टेबल के सामने लगा दीजिए। ठीक है, ठीक है। पेपर्स तैयार हो गए? मैडम वही तैयारी कर रहा हूँ। गुड। गंगा तुम आ गई? गंगा तुमने कहा था ना जल्दी से जल्दी घर बेचने का इंतजाम करो। देखो मैंने सब अरेंज कर लिया है, सभी लोग 10 बजे आ जाएंगे, और अगर किस्मत अच्छी हुई तो घर आज ही बिक जाएगा, और फिर तुम अपना हिस्सा लेकर हमेशा के लिए
यहाँ से कहीं दूर चले जाना। आई एम श्योर इतनी कीमत तो मिल जाएगी कि तुम नई जगह पर तुम आराम से सेटल हो सको। तुम ये सब संभाल लोगी ना सुधा दीदी? हाँ गंगा, मैं सब संभाल लूंगी। तुम्हें जैसा ठीक लगता है तुम कर लो, हम तब तक पैकिंग शुरू कर देते हैं। लेकिन प्लीज ये सारा काम ना कृष्णा के घर आने से पहले खत्म करवा दे। हम नहीं चाहते कि वो ये सब देखे, वो डिस्टर्ब हो जाएगी। नहीं तो ठीक है गंगा, हम पैकिंग कर दे। सागर चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन हम कृष्णा को किसी भी कीमत पर अपने से दूर नहीं होने देंगे।